9:30 और इतवार दोपहर 1:30 सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे खुसूसी प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम बात करते हैं उन तमाम नेशनल स्कीम्स की जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारी उम्र ढल रही होती है, सेहत साथ नहीं देती, कोई नौकरी भी नहीं होती और तब ज़रूरत होती है पेंशन की, बहुत ज़रूरत होती है पेंशन की। दरअसल हमारे मुल्क में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते हुए ही गुजार देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन उम्र के उस पड़ाव में जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, बहुत ज़रूरत होती है पेंशन की, ताकि रिटायरमेंट के बाद कोई दिक्कत ना हो और उम्र आसानी से गुजारी जा सके। ऐसे लोगों के मुस्तकबिल को देखते हुए मरकजी सरकार ने अटल पेंशन योजना नाम से एक स्कीम की शुरुआत की है। क्या है ये स्कीम, किन लोगों के लिए है और कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं, इस बारे में तमाम मालूमात हासिल करेंगे हमारी खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट मिसेस अर्चना अग्निहोत्री जी से। तो चलिए रुक करते हैं हमारी खास मेहमान की ओर। अर्चना जी, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी। नमस्कार साथियों। अर्चना जी, हम आपसे जानेंगे कि अटल पेंशन योजना क्या है और कौन लोग इसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं इससे जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट पर। Thank you.
नाज़रीन, आपने देखी अटल पेंशन योजना से जुड़ी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट, और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस पेंशन के हकदार हो सकते हैं। तो अर्चना जी, आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि अटल पेंशन योजना किन लोगों के लिए है और वो कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अटल पेंशन स्कीम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं, जैसे कि काम करने वाली, रोज के मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, सड़कों पे सफाई करने वाले, ऐसे लोग जिनको कि नौकरी नहीं है, इस तरह के लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, इस तरह के लोग जिनके लिए कि कोई स्कीम किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं आ सकती, किसी कंपनी में नहीं है क्योंकि वो लोग, तो उनके लिए बनाई गई है। ये एक बहुत ही मददगार और बहुत ही समझदार योजना है देश के हित के लिए, गरीबों के लिए, और हर तरह के अनऑर्गेनाइज व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स पे नहीं करता है, उनके लिए बनाई गई है। अर्चना जी, अटल पेंशन स्कीम किन लोगों के लिए है और कौन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? उसके लिए उनको ये करना है कि उनके पास एक तो आधार कार्ड होना चाहिए जी। उनका कोई प्रमाण पत्र, पहचान पत्र होना चाहिए जी। उनके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक खाता होना चाहिए। अगर खाता नहीं भी है तो जनधन के खाते अब केंद्र सरकार ने जो बनाए हैं वो कोई भी खुलवा सकता है। इवन जो रिक्शे वाला है जिसका कोई आईडी प्रूफ नहीं है, क्योंकि कभी वो यहाँ पे रिक्शा चला रहा है, कभी वो दूसरी जगह चला रहा है, वो भी अपना खाता खुलवा सकता है। उस खाता को खुलवा के अपने ये जो कागज़ हैं उनको लेके जाइए, कोई भी बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत के, वो सभी नहीं, प्राइवेट बैंक भी जो बड़े बड़े हैं, ICICI है, HDFC है, ये सब भी इस योजना से का हिस्सा है, और इस योजना के लिए किसी भी गरीब को मदद करने के लिए ये उसके लिए फॉर्म भरेंगे और उसका खाते से ये चीज़ जुड़ी होगी, जिससे कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा और उनको सीधे उनके खाते में ये धन आएगा जी। अब आप हमें ये बताइए कि ये स्कीम किस उम्र के लोगों के लिए है? ये स्कीम 18 साल से 40 वर्ष तक के लोगों के लिए है। उस समय पे इनको अपने खाते में एक खास तरह की राशि जमा करनी होगी, 7 रुपये रोज़ से लेकर के 100 रुपये महीने तक की राशि जमा की जाएगी, और उसके बाद जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो अपने आप उनके खाते में 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की राशि आएगी। ये इस पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितनी राशि जमा की है, और ये जिस भी बैंक में जाएंगे उस बैंक के अधिकारी इन लोगों को बताएंगे, उसके लिए वो लोग जवाबदेह हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या स्कीम के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है? जी हाँ, इसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है, और आधार कार्ड का खाते से लिंक होना भी ज़रूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि इन स्कीम्स के लिए काफ़ी भाग दौड़, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तो कैसे लोग इसमें खुद को आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं? बहुत ही सरल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड आपको चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड बहुत आसानी से बन रहे हैं आजकल, बैंक वाले खुद आधार कार्ड बनाते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए, आपका एक खाता होना चाहिए, आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि लिंक किया जा सके, और एक ईश्रम कार्ड बन रहा है, उसमें भी आप उसके थ्रू भी अपना ये अटल पेंशन योजना के लिए अपना पैसा जमा कर सकते हैं, क्योंकि ईश्रम कार्ड में भी आपका खाता होना ज़रूरी है। तो चाहे ईश्रम कार्ड बनवा लीजिए, उससे भी अटल पेंशन योजना में आप जुड़ सकते हैं, और सीधे भी अगर आप बैंक में चले जाएंगे तब भी आप अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। आपने बैंकों का जिक्र किया, क्या बैंक में जाकर ज़रूरी कागजात जमा करने से हमारा नाम स्कीम से जुड़ जाएगा? बिल्कुल, अपने आप जुड़ जाएगा। सारे बैंकों को इसके बारे में सूचना है, और इसके बारे में अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, इसलिए कोई भी बैंक ऐसा नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो आप तुरंत इसके बारे में सूचित करें और इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए एक इंडिविजुअल को कितनी रकम जमा करनी पड़ेगी और सरकार अपनी तरफ से कितनी रकम देगी? इसमें कम से कम एक महीने में 100 रुपये जमा किए जाते हैं, हर उम्र के लिए अलग अलग अमाउंट होता है, एक बात। दूसरी बात, किस उम्र के लिए कितना पैसा मिनिमम जमा करना है वो बैंक वाले बताते हैं खुद ही, लेकिन जब जमा हो जाता है पैसा तो उसका 40% सरकार देती है। हर महीने अगर 100 रुपये जमा कर रहे हैं तो 40 रुपये सरकार उसके खाते में डालती रहती है अपने आप, और इसके लिए कोई भी जो है बीच में बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये काम होता है। और जब 60 साल का हो जाएगा
तो उसको 1,000 से लेकर के 5,000 तक कुछ भी मात्रा का पैसा उसके खाते में अपने आप आएगा और वो इस पर निर्भर करेगा कि उसने कितना हर महीने जमा किया था। अर्चना जी, आप हमें ये बताइए कि सरकार ये पेंशन देना कब से शुरू करती है? जब वो 60 साल का हो जाएगा तब वो पेंशन शुरू हो जाएगी अपने आप। अर्चना जी, क्या इस स्कीम की कोई गारंटी है? ऐसा तो नहीं कि मरकजी सरकार इसे रन करे और कोई दूसरी सरकार आए और स्कीम बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये स्कीम गारंटी शुदा है, कोई भी सरकार आए कोई भी सरकार जाए, लेकिन ये स्कीम बनी रहेगी, इसमें ऐसा प्रावधान है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो इस स्कीम से जुड़े हैं और एक आम इंसान को इन बैंक्स के बारे में कैसे पता चलेगा? एक आम इंसान कहीं पे भी जहाँ पे भी जनधन खाता अपना खोल सकता है जी। वो बैंक इससे जुड़ा है, एक छोटा सा सिंपल सा नियम है जी। उसके अलावा ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहती हैं आप तो आपको बता दें, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, चाहे SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब छोटे से दो तीन नाम ले रही हूँ, बहुत सारे हैं, PNB, बहुत सारे बैंक हैं, वो सब इस स्कीम से जुड़े हैं। इसके अलावा बड़े बड़े प्राइवेट बैंक भी इस स्कीम से जुड़े हैं और सरकार की तरफ से ये प्रयास है कि सारे बैंक जितने भी भारतवर्ष में हैं सब इस स्कीम का लाभ बनाने के लिए, गरीबों के लिए अपने को तैयार रखें जी। अर्चना जी, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी शख्स की मौत हो जाए तो फिर इस स्कीम का फ़ायदा किसे मिलेगा? अगर उस शख्स की मौत हो जाएगी तो इस स्कीम के द्वारा उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो उसको भी पेंशन मिलेगी जी। और अगर पति और पत्नी दोनों की स्कीम, दोनों ही के पास अटल पेंशन योजना है, क्योंकि दोनों लोग अलग अलग अपने लिए ले सकते हैं, तो पत्नी को अपनी भी पेंशन मिलेगी और पति की मृत्यु के बाद जो पेंशन मिलती है वो भी मिलती रहेगी। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या एक शख्स एक ही खाता खोल सकता है? अटल पेंशन योजना के लिए एक ही खाता रहेगा, उसके अलावा खाता खोलना तो वैसे भी अब नियम बन रहा है कि सबको एक ही खाता खोलना चाहिए क्योंकि एकीकृत स्कीम चल रही है सारी, पर वैसे अगर चाहे एक दो खाता किसी वजह से खोलना पड़ गया हो तो खुल सकता है, पर अटल पेंशन योजना एक ही खाते से होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि स्कीम को चलाता कौन है? केंद्र सरकार से ये स्कीम रन होती है, उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री से होती है जी। अर्चना जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस स्कीम को लाने के पीछे की वजह क्या है? इस स्कीम को लाने की वजह ये है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका जब बुढ़ापा आता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, मान लो उसके बच्चे ना हो, हम जानते हैं एक काम वाली है उसके बच्चे नहीं हुए हैं, अब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो उनका कौन देखभाल करेगा, और इतने शिथिल हो गया होगा बुढ़ापे में उम्र की वजह से कि वो काम भी नहीं कर पाएंगे, उनका खर्चा कैसे चलेगा, उसको ध्यान में रख के ये स्कीम लाई गई है। इसलिए ये स्कीम बहुत ही प्रभावी है और गांव-गांव तक इसके बारे में सूचना है और गांव-गांव तक इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन भी है जी। अब आप मुझे ये बताइए कि ये स्कीम क्या सिर्फ मजदूर तबके या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं उन्हीं के लिए है? जी हाँ, ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के में काम करने वाले लोगों के लिए, स्पेशली जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, कोई भी हो सकता है वो, उसके लिए है, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे बर्तन धोने वाला हो, चाहे फैक्ट्री में भी जो अनऑर्गेनाइज कई है फैक्ट्री में जो टेम्परेरी लेबर होती है, उनके लिए भी ये स्कीम लागू होगी जी। अर्चना जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी वजह से कोई इंडिविजुअल अपनी रकम जमा ना करा पाए और कुछ महीनों का वक्फा आ जाए तो क्या वो बकाया रकम एक साथ जमा करा सकता है? जी हाँ, बकाया रकम जमा की जा सकती है, जैसे 100 रुपये पे 1 रुपये का फाइन लगेगा हर महीने के हिसाब से, तो जितने महीने का वक्फा हुआ है उतने के हिसाब से अगर जमा कर देंगे तो ये स्कीम फिर से चालू हो जाएगी। नाजरीन, इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले इस स्कीम को समझना होगा, फिर आपको ये तय करना होगा कि आप 1,000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं या फिर 5,000 रुपये की, क्योंकि उसी हिसाब से सरकार आपके खाते में कुछ रकम जमा करेगी और बाकी रकम आपको किस्तों में जमा करनी होगी। तो आइए आपको बताते हैं कि आप खुद को कैसे इस स्कीम के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अटल पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन चार्ट देखना होगा, जिसमें आप अपनी उम्र के हिसाब से देखेंगे कि आपको कितने रुपए महीने वाली पेंशन स्कीम चाहिए। साथ ही देखना होगा कि कितने साल तक और कितनी रकम आपको इसमें भरनी पड़ेगी। ये किस्त आपके सेविंग अकाउंट से हर महीने खुद ही कटती रहेगी, लेकिन अगर किसी महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते और ये ड्यू हो जाता है तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी।
जैसे अगर आप 100 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपसे 1 रुपए हर महीने के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा, और अगर आप 500 रुपए हर महीने भरते हैं तो आपसे 2 रुपए हर महीने के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा। 1,000 के लिए 5 रुपए पेनल्टी, 1,000 से ज्यादा के लिए 10 रुपए की पेनल्टी ली जाएगी। अगर 6 महीने तक आप इसमें कोई पैसा जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, और अगर 12 महीनों तक आपका कोई पैसा इसमें जमा नहीं होता तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और अगर 24 महीने तक इसमें कोई पैसा जमा नहीं करते तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। 60 साल की उम्र होने के बाद आप इस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरकर जमा करेंगे। जितनी भी आपने रकम जमा की है इसके हिसाब से आपके बैंक के खाते में हर महीने पेंशन आती रहेगी। अब सवाल आता है कि इस स्कीम का फायदा कैसे उठा सकते हैं। स्कीम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से शुरू कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है आप वहां पर जाएंगे, APY फॉर्म लेंगे, उसे भरेंगे, आधार कार्ड की कॉपी साथ लगाएंगे और जमा कर देंगे, जिसके बाद आपके उस अकाउंट से हर महीने पेंशन की किस्त कटती रहेगी। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आप इस स्कीम का फायदा ऑनलाइन भी उठा सकते हैं। आप टाइप करेंगे onlinesbi.com, यहां लॉगिन करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, फिर ई सर्विसेज मेन्यू में जाएंगे, नीचे लिखे मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सोशल सिक्योरिटी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी स्कीम चुनेंगे। अटल पेंशन स्कीम अकाउंट नंबर चुनेंगे, CIS नंबर चुनेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपकी तमाम जानकारी पहले से ही मौजूद होगी, और कुछ जानकारी आपको यहाँ खुद भरनी होगी, जैसे कि आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, महीने में कितनी पेंशन पाना चाहते हैं, हर महीने खाते से कितने रुपए की किस्त कटवाना चाहते हैं। ये सब भरने के बाद सेव करिए और यहाँ से आपकी पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, क्योंकि हमारा यही मकसद रहता है कि हम आप तक उन तमाम स्कीम्स को पहुंचाएं जो आपके फ़ायदे से जुड़ी हैं। अर्चना जी, आपने इस स्कीम के बारे में तमाम मालूमात हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने एक जो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनको कि कुछ पता नहीं होगा, आपके चैनल के थ्रू उनको ये सूचना मिलेगी और उनकी मदद होगी। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं चाहूंगी कि प्रोग्राम आप लोग और भी करें और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो नाज़रीन, अगली किस्त में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई स्कीम के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत,